हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजु पैंथर। नाउ लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने एमएचसीटी 2020 की एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया था, उसमें पर्सनल डिटेल्स फिल की थी। आज के सेशन में हम लोग फोटो एंड साइन अपलोड करने वाले हैं। सो अगेन हम लोग उसी साइट पे जाएंगे, स्टेट कॉमन इंटरेस्ट इज दैट इज mht-cet.2020.mahaonline.gov.in। तो सिंपली यहाँ से हम लोग क्या करना है, लॉग इन करना है, अपनी लॉग इन आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए और ये कैप्चा अपना सिक्योरिटी की फिल कीजिए और इस पेज पे लैंड करना है हम लोगों को। दैट इज दिस वाज आवर एप्लीकेशन फॉर्म। सो यहाँ पे लास्ट टाइम उन्होंने पर्सनल डिटेल फिल कर दी थी, आज हम लोग फोटो एंड साइन अपलोड करने वाले हैं। सी यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है कि फोटो की प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द साइज ऑफ द फोटोग्राफ शुड फॉल बिटवीन 15 KB टू 50 KB। 15 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। साइज ऑफ सिग्नेचर शुड बी फॉल बिटवीन 5 to 20 KB। फोटोग्राफ सिग्नेचर शुड बी जेपीईजी फॉर्मेट। Now, recent photograph must be uploaded by the candidate and same must be carried while along for the examination. मतलब क्या हो गया कि ये फोटो जो अपलोड करने वाला है एग्जाम के टाइम पे वही फोटो मुझे लेकर जानी है। और साइज साइज क्या है, 15 to 50 KB अपने फोटो के लिए और साइन के लिए 5 to 20 KB। सो नाउ सपोज अपने पास एक फोटो है जिसकी साइज सी, इसकी प्रॉपर्टीज चेक कर लेते हैं हम लोग। सी फोटो की साइज 172 KB है और हमको चाहिए 50 से लेस, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपली गूगल पे सर्च करते हैं हम लोग रिड्यूस इमेज साइज। सी बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट मिल जाएगी जहां पे आप साइज रिड्यूस कर सकते हैं। सी फर्स्ट वाला ओपन कर लेते हैं हम लोग। ड्रॉप योर इमेज, जितने भी वेबसाइट होंगे सबका सेम प्रोसेस होता है, ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस होता है। इमेज सेलेक्ट करनी होती है, डेस्कटॉप ये था, ये है अपना, सेलेक्ट कर लिया। सी 172 KB, 90% क्वालिटी, स्टार्टिंग में कुछ चेंज नहीं करते हम लोग, एज इट इज रखते हैं। सी जो फाइल की साइज मिली हम लोग को 78.6 KB, हम लोग कितनी चाहिए 50 KB के नीचे चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं अब इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस में क्या करना है, हम लोग क्वालिटी को रिड्यूस कर देते हैं। क्वालिटी रिड्यूस कर दिया हम लोगों ने, सपोज 90 था तो हम लोगों ने कर दिया 75%। इसको रिसाइज करते हैं। सी इमेज कितनी हो गई अपनी 41.05 KB, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। सी मेरी एडवाइस रहेगी कि आप जो भी फोल्डर बना, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर रहे हो उन सब के लिए अलग से कंप्यूटर में फोल्डर बना लो, क्योंकि आगे वो सब डॉक्यूमेंट्स हम लोग को आगे भी काम आने वाले हैं, जितने भी रिजल्ट के फिर स्कैन करने पड़ते हैं आगे, सीटी के इंजीनियरिंग के या मेडिकल के आप फॉर्म फिल करते हैं। तो एक अच्छा बेटर है कि अपने लिए अलग से फोल्डर बना लो, उसमें ही सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रखो। अब इसकी साइज देखो 42 KB हो गई है, डाउनलोड सेक्शन में है ये। ओके ठीक है, अपने साइट पे आ जाते हैं हम लोग। सी दिस इज चूज फाइल, डाउनलोड में डाउनलोड किया था हम लोगों ने, इट वाज स्क्रीन वन, सिंपली अपलोड हो गई। अब क्या करना है, मुझे साइन अपलोड करना है। साइन अपलोड करने के लिए अगर वो प्रॉपर साइज में है तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ, चूज फाइल करूंगा और जो भी तुम्हारी फाइल होगी वो सिलेक्ट कर लो, ऑटोमेटिक वहां पे अपलोड हो जाती है। नेक्स्ट में क्या अपने पास नीचे, अगर इसकी साइज प्रॉपर नहीं है तो अगेन मैं उसी साइट पे जाके उसको रिड्यूस कर सकता हूँ अपने हिसाब से। सी यहाँ पे कोई आईडी प्रूफ हम लोग को अपलोड करनी है, एनी वन डॉक्यूमेंट इन द पीडीएफ फॉर्मेट, पैन कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए हम लोगों को और कॉलेज आईडी कार्ड भी चलेगा, स्कूल कॉलेज और आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, HSC हॉल टिकट विद हॉल टिकट प्रिंट विद अ फोटोग्राफ, मतलब ऐसी कोई आईडी प्रूफ चाहिए जिसमें आपके फोटो हो। Now, अब ये किसमें अपलोड करना है मुझे, पीडीएफ फॉर्मेट में। ये किसमें था अपना, देखो जेपीजी फॉर्मेट में था ना, जेपीजी या जेपीईजी दोनों फॉर्मेट चल जाता है इसमें। अब अगर इसे पीडीएफ करना है तो मैं अगेन, मेरे पास अगर डॉक्यूमेंट, मैंने मोबाइल से क्लिक किया हुआ है डॉक्यूमेंट और जेपीजी फॉर्मेट में है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए जेपीजी टू पीडीएफ के लिए मैं अगेन कोई वेबसाइट पे लैंड करेंगे हम लोग। कन्वर्ट जेपीजी टू पीडीएफ .net सेम प्रोसेस है, जो भी सेटिंग्स है उसको हम लोग रहने देते हैं। सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट जेपीजी फॉर्मेट, जेपीजी फाइल्स, जो भी जेपीजी फाइल है आपकी उसको अपलोड करो
यही ले लेता हूँ फिलहाल। अब इसको क्या करना, कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट पे क्लिक कर दिया। सी कन्वर्ट पे क्लिक कर दिया, योर पीडीएफ इज रेडी, डाउनलोड योर पीडीएफ। तो इस पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे हम लोग और वहां पे अपलोड कर देंगे। बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। सो हम लोगों ने फोटो अपलोड कर दी, साइन भी अपलोड करना इजी, डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिया। ये अपलोड करने के बाद अपना जो लास्ट स्टेप बचता है वो क्या है, सिंपल पेमेंट करने का। तो पेमेंट करने के पहले जितने भी अपने अपने डिटेल्स फिल किए हो, वेदर इट इज पर्सनल डिटेल्स हो गए, तुम्हारे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नाम, तुम्हारे नाम के स्पेलिंग हो गए, बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह हो गए, प्लस जो अपना मीडियम, कौन से मीडियम में आप एग्जाम देने वाले हो वो इम्पोर्टेंट होता है, और सेंटर इम्पोर्टेंट होता है, सेंटर का प्रेफरेंस भी इम्पोर्टेंट होता है। जो आपको सबसे पहले चाहिए, मतलब जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है वो मोस्टली वही सबको मिलता है, तो इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस बहुत प्रॉपर चूज करना चाहिए। सो अभी हो गए अपने फोटो एंड पर्सनल डिटेल। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पेमेंट डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक यू।